नवाज खरीद की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। असीरी में भी इलाज हो सकता है। अदालत ने नैब का मौकिफ तस्लीम कर लिया। कायद के खिलाफ फैसला सुनकर मतवाले भी आपदीदा। जिना अस्पताल के बाहर जश्न का माहौल, सौग में तब्दील। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का फैसला। अस्पताल, इंतजामिया और पुलिस को तैयारी मुकम्मल रखने की हिदायत। जमानत मुस्तरद होने पर नवाज शरीफ भी जेल मुंतकिल होने के ख्वाहिशमंद। अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन कानूनी हक से पीछे नहीं हटेंगे, शहबाज शरीफ बोले। अभी फैसले का जायजा ले रहे हैं। मरियम नवाज की वालिद क़यादत के लिए जिना अस्पताल आमद। सहाफियों के सवालात पर खामोशी ना तोड़ी, चुपचाप चलती रही। रोजाना पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है। हम जंगल का राज देख रहे हैं। लगा दे गवर्नर राज, हम देख लेंगे। शहरी रहमान स्पीकर से असेंबली की गिरफ्तारी पर बरस पड़ी। आगा से राज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद घर की वीडियो कैसे जारी हुई, व्हाट्सएप के मैसेज पर गिरफ्तारी कैसे की गई, सेनेटर सलीम मांडीवाला ने भी सवाल उठा दिए। नौ घंटे से ज्यादा गुजर गए लेकिन कराची की जाफर तैयार सोसाइटी में गिरने वाली इमारत का मलबा ना उठाया जा सका। तीन लाशें और चार जख्मियों को जिंदा निकाल लिया। मुतादिद अफराद के अब भी मिलने की खदशात हैं। लाहौर में जात दुश्मनी पर तीन अफराद को गोलियों में भून दिया गया। बागबानपुरा में मुखालिफीन कसाब की दुकान पर फायरिंग करके फरार, मरने वालों में दो भाई शामिल। सीसीटीवी सामने हासिल कर ली। वजीर आला पंजाब का वाकये का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। विहाड़ी के गांव जोयावाला में शादी का घर मातम कदा बन गया। दो बरातरियों के दरमियान मामूली तलकलामी पर फायरिंग। दूल्हा का कजन जामहक हो गया। पोस्टमार्टम के लिए लाश डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। वाकये का मुकदमा दर्ज। खबरदार, होशियार, व्हाट्सएप हैक हो रहा है। फैसलाबाद में व्हाट्सएप अकाउंट गैर महफूज। हैकर्स ने सैकड़ों व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक कर लिए। दो माह में 300 से ज्यादा शिकायतें साइबर क्राइम सेल को मौसूल। और कुछ भी कर लो बाहर नहीं आऊंगा। कराची में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात। दुकानदार हिफाजती जंगला खोलने के बजाय काउंटर के नीचे छुप गया। गन ताने डाकू दुकानदार को मुसलसल धमकियां देता रहा। वो बाहर ना आया तो डाकू काउंटर पटक कर चलते बने।